के वाले साहब हमारे सामने बैठे हैं, लूडो खेल रहे हैं। काकी हमारे पास बिल्कुल इस और ये सरकार की फोटो वगैरह, ठीक है, तस्वीर। बाद ये गांधी जी, ये फाइनली से मैं अपनी जगह पर पहुंच चुका हूं, तो इस टाइम मोनूमेंट हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं हूं अनफिया जाफरी और मैं हूं इस टाइम मदर मेमोरियल हॉस्पिटल। आप लोग पीछे मेरे देख ही सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूं कजन के पास। तो जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बन चुका हूं चाचू, ठीक है, माशाल्लाह से चाचू बन चुका हूं। मैं आपको सारा बताऊंगा, ठीक है, जेंडर रिवील भी होगा। बोले यार मैं तो फाइनली पहुंच चुका हूं, अब बार इसको लेके चलते हैं सीधा उधर ही। तो इसको पता तो होगा, साथ साथ इसको बताते भी हैं और इसके एक्सप्रेशन भी चेक करते हैं कि यार मैं तो चाचू बन चुका हूँ। तो यार मैं पहुंच चुका हूँ इसके पास। अभी फैमिली थी तो लोग करना अच्छा नहीं, मायूब लगता है। और मुलाकात करते हैं, चार्जर पकड़िए, पूरी रात गप्पे शप्पे हम लोगों ने लगाने। अगर हमने इसको घुमाना नहीं ना यहाँ पे, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो यार मैं नेट पैकेज का कोई बंदोबस्त कर रही हूँ। यार हम लोग को तो भाग भाग के जाना पड़ रहा है ये मेरे साथ, क्योंकि भाई शब्बर से ही हुई है बात वगैरह। मैं पैकेज करवाता हूँ बैलेंस, तो जल्दी जल्दी से उधर ही चलते हैं। आ जा आ जा, पता होगा, लग रहा हो चाचू को वाला वैसा सीन बना हुआ है। तो सैरी तो करनी करनी आ रहा है, सैरी के बगैर होगा नहीं हम। यार प्लान है सैरी, फूड पांडा भी बंद हो, ये भी हर चीज बंद हो। यहाँ पे भाई शब्बर का फ्रेंड है, उसकी पकड़ी है बाइक, अभी चलते बुल्टा कैफे कोई जरा चाय शाय पियेंगे। और ये भाई मेरे साथ है जिसने चाय पीनी है, ये अभी तो उसकी आखिर कोयटा कैफे, तो सीधा इनके पास अंदर ही चलते हैं। जो चाय पानी इनसे लेना है वो लेते हैं और इनको ऑर्डर देते हैं। यार रमजान कर रही है, चाय लगा रहे हैं, तीन चाय। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। रान जाए पता क्या कहना पता आगा। ट्रोल कंट्रोल भी हमारी हो गई और फाइनली शबर भाई ने हम लोगों को सहरी भी पहुंचा दी। अब बारी हम लोग की जल्दी यहां पर सहरी करने की और अफ्तारी अपने घर में इंशाल्लाह। वो लाइट चले गई है पूरे में। शुद्ध हो जे ओ हॉरर वांटेड है साथ ही। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। तो यार जल्दी जल्दी से खाने, 22 मिनट बाकी गिन के रह गए हैं। बाय बाय व्हाट अनफिया, ठीक है भतीजी को तो इंशाल्लाह वो सुबह मिला दी जाएगी, वालदा को सौंप दी जाएगी। तो उसके बाद उसके चाचा जान जो से हैं देखभाल स्टार्ट कर देंगे। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। सर अभी भाई शब्बर उतार के गया है नकी लोगों को, वो तो अपने घर चलेगा जो मेरे गजन था। अभी मैं सिर्फ रेस्ट करूंगा, रह चुका हूँ इस टाइम गाड़ी में क्योंकि मेरे रात गुजारनी है। मतलब थोड़ी बहुत आँख लगी तो नींद पूरी हो जाएगी, ना लगी तो ना सही। तो यार आप लोग कहते होंगे कि भाई शब्बर को या फिर ब्लॉग में क्यों नहीं दिखा रहा या भाभी को, अभी दिखाता हूँ, अगले दिन आने दें इंशाल्लाह, खैर का दिन आने दें। तो मैं आप लोगों को उसको दिखा दूंगा, भाभी भी भाई भी और काकी भी, ठीक है, सब दिखा देंगे। व्हाट्सअप गाइस, मैं तो अभी उठ चुका हूँ। तो तकरीबन मैं उठा हुआ था 10 बजे का, तो काम करते करते व्लॉग जेब में नहीं रहा। तो आए आपसे जो रात का वादा हुआ था वो आपको दिखा के हैं। भतीजी की मामा अभी फातिमा से हाय टू फैमिली यूट्यूब। हाय जो से आपने कहा था कि काकी भी, वो है मेरा छोटा भैया कन्हैया, मैं उसका बड़ा भैया बलराम, बड़ा चाचू, ठीक है। उसने हाथ में पकड़ी भी है काकी, और ये उसके वाल साहब जो कि मुशक्कत में ते हुई पत्थर पहाड़ पाने के आया है, और सो रहा है, ये सोन उसने सो रहा है। यार बाकी इन लोगों को यहाँ पे छोड़ते हैं, अभी चलते हैं सीधा घर की तरफ। तो ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अरे अब वड्डे अबू, अब हमारा इसके साथ रुतबा चेंज हो गया, ठीक है, अब ये बड़े पापा इसको बोलना है। अभी बहुत अंदर करके पड़ी हुई है, वो पिंडा वाला जिसके ऊपर लिखा है उसको निकालना पड़ेगा। छोटा गार्ड पता नहीं वहाँ बैठा हुआ है, तो पहले बाइक निकालते हैं यार। होम स्वीट होम।
उठ के यार मिलता हूँ, अभी मुझे आ गई है बहुत ज्यादा नींद। तो मैं इस टाइम घर था, ठीक है, आगे सोया उठा, अफ्तारी शफ्तारी की, अल्लाह का शुक्र है बहुत ही वीआईपी निजाम चल गया। सर अभी तो मैं बच्चे की जरा ना लेने लगा हूँ यहाँ से, उसकी चीज़ें जो उसने पहननी है तकरीबन ये हो गया, ये चीज़ें मैं नहीं खिला रही हूँ अभी ज़मीन पे, नहीं तो ये तो संभली पड़ी थी। जल्दी जल्दी इन चीज़ों को रखते हैं तकरीबन, जैसा कि ये वो प्यारे प्यारे नोने शोने सूट पहनेगा अभी ये इस तरह के सूट, ठीक है, बड़े बड़े प्यारे यार मुझे तो सूट लगे हैं। बाकी इनकी ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं सीधा हॉस्पिटल। काकी ठीक है, एक दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम देखेंगे, समझ रहे हो यार। होपफुली मैं तो इस टाइम पहुंच चुका हूँ हॉस्पिटल में, और मेरी हालत पूरी इस टाइम गीला रस्ते में बारिश हो चुकी थी। काकी की नानों भी आ चुकी हैं, मीन्स की अभी फातिमा जाफरी की मामा, ठीक है, यार रात गुजरनी है मेरी गाड़ी में, तो उसके लिए मैं कोई छोटी मोटी खाने पीने के पैंपर नहीं, खाने पीने की पापड़ छापड़ ले लूँ, स्नैक्स वगैरह, ठीक है जी। यार मैं तो सीधा अभी आया हूँ भाई शब्बर के साथ अफ्तारी करने के लिए, यहाँ पे गाड़ी खिला रही और ये कराएगा सहरी करने आ चुके हैं, तो इसके साथ आगे चलते हैं, तो सामान पकड़ते हैं और सीधा चलते हैं हॉस्पिटल ही, दूसरी सहरी है तो यार सहरी लेके दे दी है। तो मेरे गाइस मेरे सुबह हो चुकी है, मेरे पास अब इस टाइम गाड़ी की चाबी और मैं इस टाइम लिफ्ट में जा रहे हैं सीधा घर, डिस्चार्ज मिल चुका है, तो अभी सीधा घर जाकर सारा सामान उतरना, ग्राउंड में पहुंच गया हूं, तो सीधा गाड़ी में चलते हैं सामान जान लगा है भाभी लोगों को लेके, और सारी फैमिली मेरी बैठ चुकी है, तो मैं हूँ 70 पे क्योंकि ये इसको तो नहीं ना यहाँ पे छोड़ना इसने। इधर आ मैं तुमसे पहले पहुंच चुका, पता लग मेरी बाइक भी 3-4 1-2 मिनट रुकी थी। बाकी वो है भाई लोग आ गए हैं, ठीक है, हम सारे अब लोग सारे बाहर खड़े हुए, वो भाई जान ने अब गाड़ी बाइक इधर को टर्न करनी है, तो जान भी नीचे आ चुके हैं, अभी उन्होंने नमाज वगैरह पढ़ी है और लोग हैं मुँह में मुस्कुराहट है, सारी बात है वो को इंशाल्लाह सुबह ही मुलाकात होती है क्लियर, फिर क्योंकि आप लोगों को सारा वो पता है कि यार आज ही डिस्चार्ज घर आए थे, तो आज ही सारा काम शाम उनके साथ घर वालों से करना था, ठीक है। वाले साहब हमारे सामने बैठे हैं, लूडो खेल रहे हैं, काकी हमारे पास बिल्कुल इस साइड पे है, तो बस टाइम नहीं दे रही है, ऊँचा बंदा है। 2000 years later. This is Anfiya Jafri और मैं हूँ इस टाइम मार्गिला हिल्स, ये देखो चेक करो, यार छोटी काकी के पापा का पता लेते लेते मैं तो इस्लामाबाद इस टाइम आ चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि वो उसने टाइम नहीं दिया, हमारे पास भी टाइम नहीं था, फिर हमने भी भाई को कहा यार मैं तो जा रहा हूँ इस टाइम इस्लामाबाद, और ये देखो मैं तो यार किसी और काम था इस्लामाबाद, बट मैं यहाँ पर आ चुका हूँ मोनूमेंट घूमने फिरने, मेरे दोस्त वगैरह आए थे, ठीक है, पिछले साल आए थे, मैं नहीं था आया, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा जाते हैं इंशाल्लाह, तो मोनूमेंट एंट्री है, सीधा अंदर ही चलते हैं, अपने मैं कदम लगाता हुआ मोनूमेंट के अंदर एंटर हो चुका हूँ, तो सीधा आगे ही चलते हैं, मोनूमेंट अभी मेरे से काफ़ी आगे है, तो मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ इस टाइम कोई भी नहीं है, और 4 बजे यहाँ से मेरी वापसी। चलिए फाइनली से मैं अपनी जगह पर पहुँच चुका हूँ, तो इस टाइम मोनूमेंट हूँ, अभी मैंने घर भी जाना है इंशाल्लाह 4 बजे की, ठीक है, तो बाकी फ़ोटो। दिस इज़ म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान मोनूमेंट के सामने घूमने फिरने आया हूँ मैं, तो हर चीज़ रिकॉग्नाइज ही कर रहा हूँ, ठीक है खुद, ठीक है, मुझे इनकी तारीख वगैरह का नहीं पता, ये इस तरह ही है कि आपको देख रहे हैं, ठीक है, बाकी उसके बाद ठीक है ये गंदाड़ा जो ऊपर लिखा हुआ है वो भी मैंने पढ़ा, पहली जंग आज़ादी जो सी 1957 से लेके 58 तक जो सी लगी थी, इस तरह करके तारीख है, ये है जिनका हमारी मुताले की किताब में 9वीं 10वीं किताब में बहुत ही ज़्यादा जिक्र है। सल्यूट सर जी, सल्यूट। आगे इलामा इकबाल साहिब जो से शक्ल से पहचाने के, हालांकि एड्रेस इलाहाबाद, हाँ जी इलाहाबाद के, ये आगे हम लोगों ने देखे इलामा इकबाल के नवादियात, ठीक है, नवारदात कुछ इस तरह का लफ्ज़ है, अब हम कायद आज़म के, ठीक है, उनमें जिन जगहों पे वो बैठे, ठीक है, मुझे इनका नहीं है वो उतना पता, मुझे लगता है ये बैठे हुई चीज़ें इन्होंने रखी है जो उन्होंने यूज़ की हुई है, और ये सरकार की फ़ोटो वगैरह, ठीक है, तस्वीर वगैरह, और ये तो पूरी वायरल है यार, ये तो पूरे पाकिस्तान में वायरल चीज़ें उन वक्त में यूज़ की गई है, ये चीज़ें ये मुताले किताबों में ऐसी किताबों में यूज़ पड़ी हुई हैं, और ये उनका लिबास, बाकी सारे आपस में जब इनकी डिस्कशन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ, ठीक है, 3 जून जो से 3 जून को प्लान बना था प्रोविंस ऑफ पीटी पाकिस्तान का, ठीक है, ये सारा उसके बारे में लिखा है, आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये गांधी जी फ्राम इंडिया, गांधी जिना टॉक्स जो कायद अजम के साथ 1940, और ये पाकिस्तान की जो 1940 की अलहदा होने की तकरीर थी वो वहाँ पे ये पेश की जा रही है, यहाँ पे स्टैचू बना के बताया जा रहा है, ठीक है, वो पीछे फॉरेन अंग्रेज़, ठीक है, ऐसे करके हर चीज़ उन्होंने यहाँ पे क्लियर की गई है, उसके बाद इंडिपेंडेंस आज़ादी, उसके बाद ये देख लें
वो देखे पीछे बैल आधी बनाई हुई है, तकरीबन आधी पीछे रह गई है और आधी मतलब के पाकिस्तान में एंटर हो चुकी हुई है। और ये हमारे पाकिस्तान का नक्शा, कायद आजम रहमत आलम की बहन ठीक है मोहतरमा फातिमा जिना राना लियाकत अली खान, इनका भी आपने तकरीबन इन सब का एक दफ़ा मुतालिया में जिक्र और नाम ज़रूर पढ़ा होना है। ये कायद ऐसा लायर जब वो वकील बन चुके थे, कायद आजम की पहली गाड़ी जो कि अंग्रेज़ों ने भेजी थी ठीक है, इसकी तारीख नहीं उन्हें इतनी बड़ी मेरे कहता नहीं इन्होंने यूज़ की थी कि नहीं, कोई इस तरह करके था ऊपर जाने के लिए ठीक है। ओए होए 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 क्या बात है जी, मर्सिडीज और मेरे ख्याल से रोल्स रॉयस ठीक है, और नंबर प्लेट देख रहे हैं रावलपिंडी की लगी हुई है इसको और उसको भी, नंबर 3201 3202 क्या बात है जी क्या बात है यार, मुझे करीब नहीं जाने दे रही तो मैं इसको चेक करता है यार, मेरा बहुत दिल है गाड़ियों को तो पता ना शौकीन बंदा हूँ मैं नहीं क्या सारी मतलब इस शुरू होता है, ये आप पूरा देख लें और ये तो आपको पता ना टांगा जिसने ये उस दौर की ये बहुत बड़ी ये बादशाहों की ये सवारी होती थी ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे गांव में भी चला यार, मेरे भी छोटे होते इसकी सवारी की एक दफ़ा, तो यार अब इंशाल्लाह गुजरांवाला ही चल के मिलते हैं। मैं फाइनली से सेफली आ चुका हूँ अपने घर, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था यार, मुझे जब एक जाते हुए अलग रास्ते आते हुए अलग रास्ते बस मैं तो यूँ परेशान हो गया था और मैं अपने घर आ चुका हूँ। तो भाई इसी के साथ हम व्लॉग करते हैं ख़त्म, आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि व्लॉग अनफिया ने स्टार्ट किया चैनल उसका है ख़त्म मैं कर रहा हूँ, तो इसी तरह इसका मैं चैनल भी ख़त्म करूँगा जिस तरह ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, नहीं नहीं व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ, खैर तब तक के लिए मेरे साथ ही है और ये ठीक जा रहा है बिल्कुल। खैर अभी हम जा रहे हैं घर, इस वक्त अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि व्लॉग ख़त्म करते, बाकी नेक्स्ट हाफ पार्ट है वो इंशाल्लाह कल आ जाएगा लेकिन इसके चैनल पर अपलोड नहीं होगा ठीक है, क्योंकि मैं जब मलेशिया और इंडोनेशिया गया था, मैं जब वहाँ पहुँचा था खैरियत से, इसने मेरी मैंने अभी पहला व्लॉग ही डाला था वहाँ पहुँचने का, तो इसने मेरी वापसी का लगा दिया था ठीक है। ये साहबजादे इतने तेज़ हैं, इतने अच्छे हैं, इतने मतलब दिमाग के पक्के हैं, इतने बड़े एडिटर हैं कि उंगलियाँ जो हैं वो दुखती हैं इनकी, फ़ौरन कुछ ना कुछ एडिट करने लगते हैं। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।